हॉस्पिटल इमरजेंसी कोर्स जो है इस समय जीएमसी जम्मू में आप देख सकते हैं एक सेटअप बनाया गया है जिसपे लिखा है कि ये हॉस्पिटल इमरजेंसी कोर्स है। इसके बारे में जानते हैं, हमारे साथ आराधना जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आराधना जी, ये मुझे बताइए कि क्या है इन कोर्स का, क्या फ़ायदा होगा? जीएमसी जम्मू सुनने में आया है कि ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ पर ये कोर्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जी, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, दिस इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें कि इन हमें बताया गया है कि कोड ब्लू एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पेशेंट कभी भी सिक हो जाए। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर कहीं दूर होता है, तो पेशेंट को अगर अरेस्ट हो जाए तो इमिडिएटली वो जहाँ भी हो, जिस जोन में भी हो, इस कोड ब्लू की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट कहाँ सिक है और डॉक्टर साहब कहाँ आ जाएंगे, उनको कहाँ पहुँचना है एग्जैक्टली। अच्छा। हमारी जो टीम है इसमें, डॉक्टर्स की टीम, जो कि कोड ब्लू या कोई भी जो अदर टीम्स हैं वो कैसे इनको मैनेज करेंगे, वो सारी टीम हमारी वहाँ पे पहुँच जाएगी। अच्छा, मैम ये 24 आवर वर्क करेगा या सिर्फ दिन में ही करेगा? इट्स अ 24/7 जी, राउंड द क्लॉक इट विल वर्क, एंड राउंड द क्लॉक हमारे डॉक्टर्स, हमारी टीम जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद रहेगी। कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है तो वो हमें बताया जाएगा, हमें एक सिग्नल आएगा, हमें इमिडिएटली वो सिग्नल आगे इन्फॉर्म करना है, आगे सबको बताना है कि ये सारा हुआ है। थोड़ा सा डेमो देख के भी बताइए कि कैसे कैसे कोड्स हैं, जैसे ये ब्लू कोड है, रेड कोड है, कोड पिंक, कोड वायलेट। देयर आर बेसिकली 8 कोड्स, उनमें से सबसे पहला कोड है कोड ब्लू, जिसपे हम सारा फॉलो कर रहे हैं। जिसे कोड ब्लू में अगर किसी भी पेशेंट को किसी भी वार्ड में किसी भी जगह अरेस्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारी टीम वहां पहुंच जाएगी। अगर कोड रेड में क्या है कि अगर कहीं आग लग जाती है, अच्छा जी, कहीं आग लग जाती है तो इस फोन के थ्रू हमें ये भी आ जाएगा सिग्नल कि कोड रेड, एंड दैट वो हमारा मैसेज जो है वो हमारी सिक्योरिटी, हमारी जो भी सेव करेंगे जो इस चीज़ को लेके, वो सारी टीम मौजूद हो जाएगी। अगर कोई चाइल्ड बच्चा गुम होता है, कोई अबडक्ट होता है, तो उसके लिए कोड पिंक, दैट इज़ बट बेसिकली वर्क इन दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द शालामार हॉस्पिटल। एंड देन कोड वॉयलेट में अगर कोई हाथापाई हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो जैसे कि पहले लोगों को पता नहीं चलता था कि कहीं कोने में लड़ाई हो रही है हॉस्पिटल की, बट अब आपको पता चल जाएगा, इमीडिएटली उस पे एक्शन हो जाएगा। अगर कहीं पे डिजास्टर हुआ है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए भी अगर हमें फोन कॉल आ जाएगा, हम इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे कि अलर्ट रहे, हमारी इमरजेंसी दैट इज ऑल्सो वर्किंग 24/7, बट दे विल गेट मोर अलर्ट बिकॉज ऑफ दिस। देन कोड येलो फॉर एनी डिजास्टर, फॉर इफ देयर कोई पैकेजिंग जो सस्पिशियसली कहीं पड़ा है या कोई बॉम्ब ब्लास्ट का कोई ऐसा बन जाता है सिस्टम, तो उस टाइम कोड ब्लैक का हम करेंगे। और कोड ब्राउन है अगर कोई स्पिल हो जाता है, कोई मटेरियल है, गैस वगैरह लीक हो जाती है, तो टीम विल बी इमीडिएटली देयर विद द हेल्प ऑफ दिस कोड्स। मैम ये वर्क कैसे करेगा, जैसे कि आप बता रहे थे थोड़ा सा पहले, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे वार्ड 1 या वार्ड 2 में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई पेशेंट सिक हो जाता है, तो देर इज अ स्मॉल हूटर जिसमें कि ये कोड्स बने हुए हैं, वो वहाँ से इमीडिएटली प्रेस कर देंगे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई हुई। ठीक है, इस तरीके का एक सायरन बजेगा। अच्छा। Then we have to stop this siren immediately. There will be a call within 5 seconds. They'll get connected to us and they will tell us that there is a code blue. Then immediately we'll go here. अच्छा, फिर आप अनाउंस करेंगे? We'll announce there that code blue in ward number 2. Everybody get alert. Code blue in ward number 2. This is the main. ये zones क्या हैं? ये zones हैं। ये डिवाइड की गई हैं जोन, जैसे जोन 1 में हमारे फ्लोर में बेसिकली हमारे पूरे हॉस्पिटल में ही स्पीकर्स वगैरह लगा दिए गए हैं। अच्छा। ताकि सब सुन सकें कि ये क्या अभी लगे हैं कि पहले से प्री प्लान्ड? नहीं, ये इसी टाइम लगे हैं। जी, ये इसी प्लान में लगे हैं, जैसे वार्ड 1, वार्ड 2 और एंडोस्कोपी, ये जो सारा एरिया है ये जोन 1 में कवर होता है। अगर ऐसा कुछ होता है और हम चाहते हैं कि किसी और को ना पता चले, तो हम इस जोन के ही बटन दबाएंगे, हम बाकी जोन के ऑफ रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहीं अफरा तफरी ना मचे। जी, फिर अगर ऐसा है कि कहीं झगड़ा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम जोन 8 और जोन 9 दबाएंगे। उससे क्या होता है कि वो सिक्योरिटी और पुलिस स्टेशन में जाके बात पहुंचेगी। इमरजेंसी ब्लॉक मतलब बंद कर दी, क्या होगा 8 का इमरजेंसी ब्लॉक का मतलब क्या होगा? जोन 8 और जोन 9 जो है दैट इज फॉर सिक्योरिटी एंड पुलिस। अगर हमें किसी की ज़रूरत है, पुलिस स्टेशन या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हाथापाई, मार कुटाई, इस तरीके से कुछ हो जाता है, तो हम नहीं चाहते कि बाकी हॉस्पिटल में पैनिक मचे, तो हम सिर्फ यही जोन करेंगे और जो भी हम यहाँ पे बोलेंगे वो इन्हीं दोनों जोन में सुनाई देगा वहाँ। तो मैम इसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई गई है यहाँ पे, जो आप ऑलरेडी पढ़ाई इसके बारे में करके हैं? नहीं नहीं, इसकी हमें ट्रेनिंग दी गई है और बेसिकली हम वार्ड टू वार्ड भी जाके सबको बताते हैं कि कैसे कैसे करना है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमें क्या करना है, कैसे हमें बजर दबाना है, कैसे हमें हूटर दबाना है, कैसे हमें कॉल करना है, कैसे हमें करना है। कितने मेंबर्स की टीम है टोटल यहाँ पे? इसमें हमारे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में रहेंगे, मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स रहेंगे, सर्जरी डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर रहेंगे, वो अलग टीम होती है जो इमीडिएटली वहाँ पे पहुँचेगी।
तो ये देखिए आपने हॉस्पिटल इमरजेंसी कोर्स जो है ये जीएमसी में न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जीएमसी एक पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे ये कोर्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं और इससे काफ़ी जो पेशेंट्स हैं और इवन डॉक्टर्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा उठाने को मिलेगा।